दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम फ्लश बोट किट की जो थी एसेसरीज उसको हम नाइट में शूट करके देखेंगे, क्योंकि इसका सही उपयोग आप लोकेशन पर आकर ही कर सकते हैं। क्योंकि पिछला वीडियो जो हमने बनाया था स्टूडियो में, उससे हमने खाली चेक किया था कि कौन कौन सी एसेसरीज किस तरह से काम आ सकती है। तो हम आज की जो एसेसरीज है उसको डिफरेंट तरीके से यूज करेंगे, और फ्लश बोट किट के साथ में हम जो एक फ्लश है हमारी नॉर्मल सी, उस फ्लश को यूज करेंगे, और उसके साथ में हम जेल यूज करेंगे जो हमने अभी फिलहाल रेड जेल लगाया। इसके तरह से हम दो तीन जेल लगा के अलग अलग तरह की फोटोग्राफी करेंगे। उसके लिए अभी आज मेरे साथ में है कैमरा निकोन का 7500, इससे हम शूट करेंगे, और एक एलईडी लाइट आपको चाहिए फ्रंट में देने के लिए। हम फ्लैश बोट को अभी हम बैक में रखेंगे, और बैक में रख के हम इसकी लाइटिंग का उपयोग करेंगे, और फ्रंट से हम हमारे सब्जेक्ट को एलईडी की लाइट से कवर करेंगे। तो दोस्तों आज सब्जेक्ट के रूप में हमारे साथ में हमारे दोस्त हैं। हेलो दोस्तों, आई एम अर्पित श्रीवास्तव, अर्च फोटोग्राफी मंदसौर इंदौर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और चेक करते हैं कि हमारी एसेसरीज किस तरह से अच्छे डिफरेंट तरीके से यूज की जाती है। क्योंकि कई तरह से हम अगर फ्लश को यूज करते हैं, तो इस तरह से भी आप एक बार यूज करके देखिए कि फ्लश बोट किट से आपके फायदे क्या क्या मिल सकते हैं, और आपकी फोटोग्राफी कितनी डिफरेंट बन सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों एक पिक्चर हम लेते हैं बिना बैकग्राउंड ब्लर की, पीछे कोई लाइटिंग इफेक्ट नहीं है, ओनली हमने फ्लैश लगाई है, और हमारी और हमारा जेल लगाया है। इस बार जेल हमने रेड कलर का यूज किया है। अगर आपको जेल चेंज करना है और जेल को असेंबल करना है फ्लैश के साथ में, तो आप हमारा पिछला वीडियो देखिए और उससे सीखिए कि सारी एसेसरीज किस तरह से यूज की जाती है फ्लैश बोट किट की। चलो रेडी, तो फेस इस तरफ हुआ, इस टर्न करो, हाँ टर्न, ओके ये यस स्माइली, नाइस, वन मोर, दोस्तों कुछ डिफरेंट ही पिक्चर बनी हमारी, और ओरिजिनल पिक्चर बनी है। इस पिक्चर को आप एडिटिंग करके साथ में भी नहीं बना सकते, ऐसी पिक्चर हमारी फ्लैश बोट किट ने बना के दी है और रेड जेल के साथ में दी है। क्योंकि हमने सब्जेक्ट के पीछे बिल्कुल कोई लाइट नहीं रखी है, ओनली फ्लैश जेल के साथ में रखा है हमने। तो दोस्तों एक शॉट हम लेंगे लो एंगल से, और पीछे हमने अभी जेल को यूज़ किया है येलो कलर का जेल। तो येलो कलर का जेल हमने थोड़ा सा क्रास में रखा है कि कहीं हमारा सब्जेक्ट के बुके इफेक्ट भी बन सकता है, तो हम बुके इफेक्ट बनाकर चेक करेंगे, और हेड लाइट भी हमारी बन जाएगी। थोड़ा सा हमने टर्न में रखा है, जैसा कि आप देख सकते हैं फ्लैश हमारी पीछे पड़ी हुई है, ओके वो फ्लैश पड़ी है। अब फ्लैश को हम थोड़ा सा ट्राइंगल दिया है ताकि बुके इफेक्ट भी बन जाए और हेड लाइट भी बन जाए। तो एक शूट लेके देखते हैं हम येलो के साथ में, यस रेडी, ओके रेडी। अभी हमारी कैमरे की सेटिंग वो की वही है, 5000 का ISO, और अपर्चर हमारा 5.6 ले रहा है। फिलहाल 4.0 भी हो रहा है कहीं ना कहीं, क्योंकि हम थोड़ा जूम यूज़ करते हैं तो हमारा अपर्चर थोड़ा हिल जाता है और आगे नहीं बढ़ पाता, और स्पीड हमारा 125 का है। यस रेडी, बहुत जोरदार, बहुत अमेजिंग फोटो आया है। कहीं ना कहीं येलो लाइट के साथ में कि हमारा फोटो कितना ज़्यादा बेटर बन सकता है हम अगर अलग अलग जेल को यूज़ कर रहे हैं। तो एक और डिफरेंट ये जेल को हम यूज़ करेंगे, और कुछ नए पोज के साथ में पिक्चर लेंगे, और थोड़ी सी और हम इफेक्टिव कुछ नई चीज़ करके देखेंगे कि हमारा जेल के साथ में कितना अच्छा उपयोग हो सकता है। तो दोस्तों अभी येलो जेल हमारा, ये येलो जेल को हम चेंज करते हैं और कुछ नया डिफरेंट जेल लगा के देखते हैं कि हमें क्या इफेक्ट मिलता है। हमारे पास काफ़ी जेल है, 7-8 जेल मिले हमें अलग अलग कलर के, तो अभी हम थोड़ा डिफरेंट कलर लेते हैं। येलो भी हमने यूज़ कर लिया है, अभी हमारा कौन सा जेल है, हमारे पास थोड़ा सा डिफरेंट कलर चाहिए का जो मैंने आपको नहीं बताया हो। तो अभी हम पिंक कलर को यूज़ करके देखते हैं कि पिंक कलर के जेल में हमारी पिक्चर कितनी अच्छी बनती है। पिंक कलर का थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा, किसी पिंक कलर में हमारा कोई इफेक्ट भी नहीं है, और पीछे बैकग्राउंड में भी हमारा थोड़ा कहीं ना कहीं मैच होगा कि ब्लू कलर के साथ में ये पिंक कलर थोड़ा मैच हो जाएगा। तो इस तरह से इसको यूज़ करेंगे हम ग्रिड के साथ में लगा के। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो पिछला वीडियो आप देखिए, उससे आप समझे कि किस तरह से आप इस एसेसरीज को यूज़ कर सकते हैं और किस तरह से आपकी फ्लैश के साथ में इसको अटैचमेंट कर सकते हैं। चलिए, तो दोस्तों अभी हमने जेल में पिंक कलर को यूज़ किया, पिंक कलर को हमने लगा के देखते हैं कि क्या इफेक्ट आता है, क्योंकि हर कलर का इफेक्ट आना जरूरी है। अगर कलर का इफेक्ट नहीं आएगा, 8 कलर कम नहीं होते हैं, 8 कलर अलग अलग तरह के दिए हैं। अगर हमें अगर ये कलर अच्छा नहीं लगता तो वो कलर हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम कलर को उस तरीके से यूज़ करें जब हमारा सब्जेक्ट ने ड्रेसअप पहन रखा हो किस कलर का, तो उस कलर के अकॉर्डिंग आपको जो ज़्यादा बेटर लगता है उस कलर को आप यूज़ करें। मैं आपको 2-3 कलर यूज़ करके इसलिए बता रहा हूँ कि हमारी पिक्चर किस तरह से इफेक्टिव आती है और किस तरह से हमें लगती है। चलिए एक शूट लेते हैं, आ जाओ, ठीक है, यस रेडी। अभी हमारा फ्लैश का और हमारा कैमरे का जो सेटिंग है प्रॉपर है, हम कोई चेंज नहीं कर रहे, क्योंकि चेंज करने में हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि हम बराबर लाइटिंग में काम कर रहे हैं। जो हमारी एलईडी चल रही है वही चल रही है, और सब सेटिंग होगा वही है। यस रेडी, चलो रेडी स्माइली,
दोस्तों बहुत ज़्यादा अच्छा इफेक्ट आया, हमें एक ही क्लिक में बहुत अच्छी पिक्चर मिली क्योंकि हमारा कैमरा प्रॉपर सेट है, हमारा सब कुछ सेट है, हमने ओनली जेल चेंज किया तो जेल का जितना इफेक्ट होता है, ये पिंक जेल है तो पिंक कलर का ही हमें इफेक्ट दिया उसने जेल ने, और कहीं ना कहीं हमें बहुत ज़्यादा अच्छी पिक्चर लग रही है कि जो हमने सोचा था वैसी की वैसी पिक्चर हमें फ्लैश किट हमें बना के दे रही है। चलो एक और लेते हैं दूसरा। दोस्तों अभी हमने नया जेल यूज़ किया है ग्रीन कलर का, ग्रीन कलर का इफेक्ट हमें क्या देता है, थोड़ा हम व्यू फोटो लेंगे, व्यू फोटो में हमारी पिक्चर कैसी बनती है, फ्रंट में वही एलईडी हमारी, और अब हम एक शूट थोड़ा फुल व्यू एंगल पे लेके देखते हैं कि कैसा आता है। चलो रेडी, थोड़ा हम व्यू एंगल ले रहे हैं तो हमें कहीं ना कहीं एलईडी थोड़ी कम पड़ रही है, तो हम थोड़ा सा आईएसओ इंक्रीज करते और थोड़ी सी पिक्चर को हमारी ब्राइट बनाते, तो अभी मैंने आईएसओ को कर दिया है 6400 का। दोस्तों एक क्लिक और हम लेके देखेंगे कैसा आता है हमारा ग्रीन बैकग्राउंड के साथ में हमारा इफेक्ट, और हम बैकग्राउंड को कैसे ग्रीन बना सकते हैं ब्लैक से। यस स्माइल, बहुत अच्छी पिक्चर आई है। फ्लैश ऑफ है, फ्लैश ऑन करो। यस रेडी स्माइली, दोस्तों ग्रीन जेल में हमारा बहुत अच्छा इफेक्ट आया, कहीं ना कहीं जेल का इफेक्ट फेस के ऊपर भी आता है, तो आप एलईडी लाइट जो है थोड़ी ज़्यादा अच्छी यूज़ करें, अगर आप किसी इवेंट में तो पोर्टा लाइट को यूज़ कर सकते हैं। एलईडी लाइट अभी इसलिए कम इफेक्ट कर रही है क्योंकि यहाँ पे पूरी नाइट ही है, पूरा मतलब कि अंधेरा ही है, कहीं से कहीं तक कोई रोशनी नहीं मिल पा रही हमें, इस वजह से थोड़ा सा हमारा फेस पर थोड़ा डार्क आ रहा है, लेकिन फिर भी हमारा पिक्चर बहुत अच्छा बन रहा है। तो दोस्तों देखा आपने हमारे फ्लैश बोर्ड किट का सही उपयोग करके हमने हमारी फोटोग्राफी को कितना अट्रैक्टिव और डिफरेंट बनाया है, तो कुछ इसी तरह से आप फ्लैश बोर्ड किट को अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अभी हमने ओनली जेल को यूज़ किए जिससे हमारा इफेक्ट ये मिला है, और इसके साथ में हम ग्रिड को भी अगले वीडियो में यूज़ करने वाले हैं और हमारी फोटोग्राफी को डिफरेंट और अच्छे तरीके से यूज़ करना बताएंगे आपको। तो अभी ये फोटो आप मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ, देखिए किस तरह से हमारे फोटो अच्छे आए हैं। तो दोस्तों कुछ इसी तरह से हमारी फ्लैश बोर्ड किट काम में आती है, और हम आगे अभी और नए नए वीडियो बनाते रहेंगे आपके लिए कि आप कुछ अच्छा करें और कुछ डिफरेंट करें फोटोग्राफी में, और रियल फोटोग्राफी करें, न कि आप एडिटिंग पे भरोसा रखें, क्योंकि जहाँ तक आप अच्छी एडिटिंग के भरोसे हैं तब तो आप अच्छी फोटोग्राफी के भरोसे भी रहिए, और फोटोग्राफी को अच्छा बनाइए तभी आप एडिटिंग भी बहुत अच्छी कर सकेंगे, और आपका समय फोटोग्राफी के एडिट में ज़्यादा लगता है न कि आपको एक्सपोजिंग करने में। आप अगर रियल फोटोग्राफी करेंगे तो ज़्यादा अच्छी होगी और जल्दी भी होगी और अच्छी अट्रैक्टिव भी आएगी, और उसमें कहीं कमी नहीं रहेगी कि आपने कुछ एडिटिंग में मिस्टेक करी या कुछ करा है। अगर आपको हमारी टिप्स अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए गुड डे।